अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। सो दोस्तों, हम आज बताने वाले हैं हज के बारे में। सो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि शहाब चतुर जी जो है हज के लिए निकले हैं और उनको जो है 64 to 68 डेज हो चुके हैं निकल के घर से। और उनके पीछे पीछे आप लोगों को बता दें कि 2 से 3 लोग जो है और निकल चुके हैं अपने घरों से हज के लिए। और शहाब चतुर जी के बारे में जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने कैसे कैसे अप्रूवल ली है गवर्नमेंट से। और ये भाई साहब जो है कुछ ना सोचे ना समझे, वो बस बैग उठाए और घर से कर दिए। सो दोस्तों, ऐसे हज नहीं होता है और ऐसे आप जा भी नहीं सकते। सो दोस्तों, आप मालूम है कि आप जो है कोई बॉर्डर भी पार नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंडिया में ही घूम सकते हैं। इंडिया के बाहर जाने के लिए आपको प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, तभी आप इंडिया के बाहर जा सकते हो। और हम इन भाई से ही सुन लेते हैं कि ये भाई साहब कैसे जाने वाले हैं। मोहम्मद आसिम सर, जो आज पैदल हज यात्रा को आप अपने घर से रवाना हुए, क्या साधन लेके घर से रवाना हुए? साधन कुछ नहीं है, खाली बैग है। खाली बैग? अच्छा, आपका सफर किस तरीके से आगेगा, तय होने वाला? सर, मेरा राजस्थान जाना। राजस्थान से जोधपुर। तो सर, आपने जिसे पल का प्लानिंग करी थी, इसकी या फिर आपके दिमाग में मेरे एकदम दिमाग में आई, मेरे दिल ने गवाह दिया, अल्लाह ने हुक्म करा, आप मेरे से निकल पड़ा। आपका प्लेन अभी कहाँ तक जाओगे? दोस्तों, आपने सुना भाई साहब की बातें तो जस्ट लग रहा है आपको कि हर कोई पैदल हज के लिए जा सकता है। हाँ, जा सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपका वीज़ा होगा तभी। लेकिन आप ऐसा नहीं कि बैग उठाओ चल दिए, ऐसा नहीं आप जा पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आपको और दिखा दूँ एक भाई साहब की वीडियो, जो कि नाम है उनका जैनुल आबिदीन। और ये भाई साहब जो है 100 किलोमीटर तक चल चुके हैं, और आप उनकी ही मुंह से उनकी बातें सुन लीजिए, आपको तब आपको यकीन होगा। और आप कमेंट में ज़रूर राय के बताएं अपना कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पैदल कर चुके हैं, तो इस वक्त आप कहाँ पे हो? जहांगीराबाद। एक कस्बा पड़ता है जहांगीराबाद। जहांगीराबाद की सरजमी पर हमारे भाई यहाँ मौजूद है। आपका नाम? जैनुल आबिदीन। हमारे भाई जैनुल आबिदीन इस वक्त जहांगीराबाद की सरजमी पर है, तो आज का कयाम यहाँ होगा, यहीं आज कयाम करेंगे। उसके बाद कल सुबह आप फिर रवानगी कहाँ से होगी? जहांगीराबाद से होगी। तो उस जहांगीराबाद की आपकी रवानगी होगी, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? रवानगी होगी, उसके बाद अजमेर शरीफ के लिए जाएंगे। अजमेर शरीफ के लिए? तो वहाँ अजमेर शरीफ कितने दिन रुकेंगे? 5 दिन। उसके बाद मदीना शरीफ की तैयारी। मदीना शरीफ की तैयारी करेंगे। अच्छा, तो आपके दिल में है, मतलब आपके दिल में क्या विचार है? मोहब्बत है। यानी भाई अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और तड़प देखिए। यानी भाई इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, यानी हज के लिए इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ हमारे तमाम लोग मस्जिद को जाने के लिए कहते हैं, इतनी दूर मस्जिद है, और भाई 8,440 किलोमीटर का सफ़र वो पैदल कर रहे हैं। तो भाई हमारे अजमेर शरीफ रुकेंगे, उसके कितने दिन? हाँ, 5 दिन। कहाँ होके जाना है इन्हें तो ये भी पता नहीं, ना इनके पास कोई रोड मैप है, ना ही स्मार्टफोन। और हाशिम भाई का कहना है कि वो हर रोज़ 40 किलोमीटर पैदल चलेंगे। भाई साहब पैदल हज करने के लिए निकल पड़े हैं, कैसे होके जाना है? पासपोर्ट, वीज़ा, परमिशन कुछ भी नहीं है, बस दिल में ख्याल आया और हज पर चल दिए हैं। क्या इन लोगों की नज़र में पैदल हज मजाक बन चुका है? क्या कोई भी झोला उठाएगा और हज पर निकल पड़ेगा? दोस्तों, ऐसे लोगों की वजह से दूसरे लोगों को मौका मिलता है इस्लाम को बदनाम करने का, कि देखो इनके अंदर तो अक्ल ही नहीं है कि दूसरे मुल्क में जाने के लिए वीज़ा और परमिशन लेना पड़ता है। मगर इन्हें तो शहाब की तरह मशहूर होना है। जिस शहाब को इस वीज़ा और परमिशन को लेने में 1 साल लग गई थी, तब जाकर वो हज पर निकले। मगर आज कुछ लोगों ने पैदल हज को मजाक बना लिया है कि बस उठे और चल दिए। और अभी ना जाने ऐसे कितने लोग हर दिन सामने आएंगे। इस चीज से कोई मतलब नहीं है भाई, उन्हें तो सिर्फ मदीना शरीफ जाना है, यानी कि इंडिया क्रॉस करना है, पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचना है। और वहां पर ऐसा लगता है जैसे मानो बिना पासपोर्ट और बिना वीजे के वो लोग आपको अंदर ले लेंगे, यानी कि इन लोगों के अंदर बिल्कुल अक्ल ही नहीं बची है। वही सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिलती है कि जो लोग इनके साथ जा रहे हैं उन लोगों की अक्लों को क्या हो गया है। मान लीजिए इनकी अक्ल पर पत्थर रखे हैं, तो जो लोग इनको विदा करने जा रहे हैं काफी तादाद में, उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को इन्हें समझाना चाहिए कि भाई आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भला आप कैसे जा सकते हो।
तो इनसे ज्यादा आगे वो लोग हैं जो कि इनको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि सुहाब भाई के बाद ये तीसरे, यानी कि सुहाब भाई को छोड़कर के ये तीसरे शख्स हैं जो कि मदीना शरीफ की जियारत के लिए जा रहे हैं। और अभी वक्त है, यानी कि साल में 10 महीने बाकी हैं, अल्लाह अपना रहम फरमाए, ना जाने 10 महीने में ऐसे कितने लोग और मदीना शरीफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों साथियों, सोचा समझा कुछ नहीं, बस घर से बैग उठाया, टोपी लगाई और अपने हज के सफर पर चल दिए। यकीनन दोस्तों साथियों, इन जैसे नमूनों की इस वक्त कोई भी कमी नहीं है। हम और भी वीडियो जो सोशल मीडिया के जरिए से आ रहा है वो आप लोगों तक जरूर जरूर दिखाएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें।